सो सेम जो रहेंगे अभी भी वेट करेंगे लेकिन नकुल के द्वारा। चलिए फाइनली आईक्यू सोल ने यहाँ पे फिनिशेस निकालना स्टार्ट कर दिया है। वो एक एलिमिनेशन पॉइंट्स रहने वाले हैं लेकिन एक रिटालिएशन कवर फायर भी आता हुआ नजर आ रहा है। जोकर को नॉक किया गया था लेकिन चलिए वाह, अब एक भी प्लेयर एलिमिनेट नहीं हुए हैं सोल के, लेकिन आईक्यू सोल के प्लेयर्स ने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन खेलना स्टार्ट कर दिया है। और नकुल जो रहेंगे टोटल एक एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल के बैठे हुए हैं। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे राइट हैंड साइड के एरिया की तरफ जाने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे बट बेहतर अप्रोच लाने की प्रयास। अब ड्रिकली स्लैम कर दिया है जहाँ पे एक और से बंद करने का प्रयास करा जा रहा है लेकिन टीम का मिलाज के प्लेयर वो पूरी तरह से जाल बिछा के बैठ गए हैं। दो प्लेयर्स को नॉक करेंगे, तीसरा प्लेयर भी यहाँ पे क्या नॉक होगा? जी नहीं, अब यहाँ पे टीम तमिलाज को एलिमिनेट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होगी यहाँ पे टीम आईक्यू सोल के लिए। अब फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ने की प्रयास हो, राइट हैंड साइड के एरिया की तरफ जाने की कोशिश इनके ऊपर हो सारी की सारी दावेदारियां। लेकिन इसी बीच रॉनी यहाँ पे ओवर अग्रेसिव हुए हैं और ओवर अग्रेसिव होने के कारण इनको नॉक किया गया है, काफी ज्यादा लो किया गया है। सोल जो है वो थोड़ी सी ट्रबल में है, यहाँ पे दूसरे प्लेयर को भी नॉक करने का प्रयास, आराम से यहाँ पे रिवाइव करके आगे जाने की कोशिश इनके द्वारा एक मोलोटो करी जा रही है टीम तमिलनाडु की। अब एक आखिरी उम्मीद बचेंगे और फाइनली नकुल के उस नेट के कारण एलिमिनेट हुए हैं। टीम गॉडलाइक के द्वारा एक और फिनिशेस यहाँ पे ऐड कर दीजिए, वो 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स और जिसका इंतजार था आप सभी लोगों का वो होता हुआ नजर आ रहा है। सोल जो है वो यहाँ पे अपनी दावेदारियाँ जो है पेश करने के लिए तैयार है, पा चुकी है और गॉडलाइक जस्ट उनके सामने रहने वाली है। ओपन के साइड से आगे जाने का प्रयास, पहला प्लेयर को नॉक करने की कोशिश, पहला नॉक आएगा लेकिन दूसरे प्लेयर को नजरअंदाज कर दिया है और इसी के कारण यहाँ पे गॉडलाइक जो रहेगी सोल के हाथों इस मुकाबले से बाहर जाएगी। सोल जो है वो काफी बेहतरीन यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रही है लेकिन चलिए गॉडलाइक जो है वो एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी, इस मुकाबले से बाहर जाएगी। अगर आप देखेंगे टीमों की डिस्टेंस मापेंगे तो बहुत ज्यादा दूरी रहने वाला है, आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लेकिन चलिए फिलहाल यहाँ पे नेट करते हुए नजर आएंगे, क्या वो नेट का कनेक्शन बनेगा? ओह माय गॉड, सोल की तो हालत यहाँ पे लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। सोल के दो प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया गया है, सोल के नकुल एंड एस पावर जो रहेंगे मात्र दो ही प्लेयर सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। नकुल को यहाँ पे डाउन करने की कोशिश करी जा रही है बट चलिए फिलहाल यहाँ पे नकुल जो है वो काफी बेहतरीन यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे। मेहम के पहले प्लेयर को नॉक किया है, प्री कैलकुलेटेड शॉट्स ले लिया था इन्होंने लेकिन वो कनेक्शन बना है नहीं। चलिए नॉक वाले प्लेयर को एलिमिनेट करेंगे इजिली, ये लगातार करते हुए नजर आ सकते हैं ये प्लेयर्स। दे हैव स्टिल ओनली वन एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकिन अब ये दो प्लेयर्स काफी होने वाले हैं यहाँ पे मेहम के लिए। यहाँ पे सोल के प्लेयर जो रहेंगे जस्ट अप्रोच करेंगे, वो बेहतर अप्रोच लाने की कोशिश करेंगे, साथ से कोशिशें करेंगे कि और ज्यादा फिनिशेस निकाले, थोड़ा राइट हैंड साइड के एरिया की तरफ जाने का प्रयास। सर्कल एक अलग कहानी लिखा हुआ नजर आएगा लेकिन गॉडलाइक उन्होंने तो क्या बेहतरीन खिलाया यहाँ पे, उसमें कोई दो राय नहीं रहेगा। लेकिन एस पावर इनकी मुसीबत लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एस पावर यहाँ पे नॉक रहने वाले हैं। एस पावर को यहाँ पे खेलना पड़ेगा, अगर ये यहाँ पे नहीं खेलेंगे तो इनकी जो है वो शायद से परेशानियां। तीन टीम फिनिशेस जो है इनके द्वारा निकाली जा चुकी है, कुछ और फिनिशेस यहाँ पे निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सो वही करने का प्रयास बट चलिए। आईक्यू सोल के प्लेयर्स भी जस्ट आगे आने का प्रयास करेंगे, हालांकि टोटल 8 टीम फिनिशेस जो है वो निकाली जा चुकी है इनके द्वारा, कुछ और फिनिशेस यहाँ पे निकालना इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा, सो कोशिशें लगातार करेंगे ये। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड बट फिलहाल यहाँ पे साथ वो दावेदारी या बेहतर लाना इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा, कोशिश ये लगातार करेंगे उसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।